हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक और नई वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, जिस वेबसाइट को मैं फॉर द लास्ट 5+ ईयर्स यूज़ कर रहा हूँ। उसको यूज़ करने का फ़ायदे क्या हैं, प्रोज क्या हैं, कॉन्स बहुत ज़्यादा कम हैं, लेकिन ये वो वेबसाइट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि एज एन इन्वेस्टर, चाहे अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हों, चाहे आप नए बिगिनर इन्वेस्टर हों, यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट दैम। एंड डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे मैं उनके अंदर से क्या क्या डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ, वो मैं इस वीडियो के अंदर उस वेबसाइट के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह दूंगा। आई होप आपने इस प्लेलिस्ट के अंदर सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो PSX की ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी वीडियो आपने देख ली होगी, और अगर आपने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, जाएं पहले उस वीडियो को देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप इस प्लेलिस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन में आप ऑलरेडी देख सकते हैं उनका, उन वेबसाइट्स के नाम आप देख सकते हैं जिनकी मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि इन वीडियोस को देखने के बाद जिस तरीके से मैं इन वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपने लिए बेहतर से बेहतर डिसीजन, टाइमली इन्फॉर्म डिसीजंस बना पाता हूँ, चाहे वो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, चाहे वो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इट ऑल डिपेंड्स के मार्केट की क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि सेम इसी रिचुअल को आप लोग भी फॉलो करें, मेरी तरह मार्केट को पहले सीखें, समझें। सीखने समझने के बाद जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट लाइफ में आगे बढ़ेंगे, सही इन्फॉर्म डिसीजंस लेंगे, टाइमली डिसीजंस लेंगे, तो आप यकीन करें कि मार्केट में कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। बिकॉज आपको पता होगा कि सर्टेन प्लेटफॉर्म से सर्टेन डेटा को निकाल के उस पर अपने एनालिसिस करना और एक टाइमली अपना डिसीजन लेना आपके पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म इन्हेंस कर सकता है, और आपकी जो स्टॉक मार्केट में जर्नी है उसको भी लॉन्ग टर्म बरकरार रख सकता है। सो विदाउट फर्दर डिले हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, और लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने के बाद मैं आपको उस वेबसाइट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वेलकम बैक। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने गूगल आपने खोलना है। गूगल खोलने के बाद यू नीड टू टाइप KSE स्टॉक्स। KSE स्टॉक्स आप जब टाइप करेंगे यू सी अ वेबसाइट ऑन द वेरी फर्स्ट लिंक यहाँ पे अवेलेबल है KSE स्टॉक्स के नाम से। जब आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, बट अनऑफिशियल वेबसाइट होने के बाद भी इस वेबसाइट से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मुझे टाइमली अवेलेबल हो जाती हैं, और वो क्या होती हैं उसको थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। जो इस वेबसाइट के जो बेसिकली ओनर्स हैं, जो टीम है, उनसे आप डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो है वो आप ट्विटर पे भी इनको रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है इस वेबसाइट की बैकग्राउंड टीम का, जिसके अंदर ट्रेडिंग डिस्कशंस और मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिस्कशन भी होते रहते हैं, और इन व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट मैं खुद भी हूँ। सो इन द फ्रंट आप देख सकते हैं बेसिक मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। वॉल्यूम लीडर्स हैं, टॉप गेनर्स ऑफ द डे हैं, एंड टॉप लूजर्स अवेलेबल हैं। ऑन द राइट साइड आप देख सकते हैं कि राइट साइड जो है हमारे पास मार्केट के स्टैट्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर डेली बेसिस पे जो भी डेट है, KSE 100 इंडेक्स जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है, उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है टॉप पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ नेट चेंज है, वॉल्यूम है, तो ओवरऑल मार्केट की जितनी भी स्टैट्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने पब्लिक किए हुए। इसके अलावा किसी कंपनी के बारे में आप सर्च करना चाहें उसको सिंबल से सर्च कर सकते हैं या सर्च बाय नेम कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो भी डिटेल आप उस कंपनी की निकालना चाहें वो यहाँ पे आप डायरेक्ट उनको टाइप करके उसमें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन जो ऑप्शन बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ वो टॉप ऑफ द वेबसाइट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेजर हेडिंग्स अवेलेबल हैं, और उनके अंदर सब हेडिंग अवेलेबल हैं जिसके अंदर टॉप वो चीज़ें जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं PSX डेटा। PSX डेटा का मतलब है इसके अंदर PSX से रिलेटेड जितनी भी अर्निंग्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं जो कंपनीज पब्लिश कर रही हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इसको थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं, डिटेल में देखते हैं। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग्स है, मैंने जैसे आपसे कहा कि मुझे डायरेक्टली अगर इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होती कि आने वाले दिनों में कौन कौन सी कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस की है, तो उसके लिए ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, और इसी वजह से मेरे टैब्स में इस कंपनी का बोर्ड मीटिंग का टैब रेगुलरली खुला होता है, और रेगुलरली डेली बेसिस पे मैं उसको मॉनिटर कराता हूँ। जब आपको पता होगा कि आज के दिन कौन कौन सी कंपनी की बोर्ड मीटिंग है और वो बोर्ड मीटिंग के रिजल्ट्स आने के बाद वो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं या नेगेटिव रिजल्ट हैं, तो उसी हिसाब से आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, कंसिडरिंग कि अगर उस लिस्ट में आपकी कंपनी के भी जो है वो बेसिकली नाम अवेलेबल हो। मूविंग फॉरवर्ड आप देख सकते हैं बुक क्लोजर का क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा डिविडेंड शेड्यूल है, डेली मार्केट समरी है जो दर्शक हम यहाँ फ्रंट पे भी देख सकते हैं अगर आप डिटेल में देखना चाहें, डेली मार्केट समरी का टैब भी हम थोड़ी देर में इसको देखते हैं। हिस्टोरिकल हाई लो डिपेंड करता है कि आप इंडेक्स का हाई लो देखना चाहते हैं, कंपनीज का हाई लो देखना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेली कोटेशन में
आप अगेन किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में देखना चाहें तो यहाँ पे वो तमाम लिस्ट अवेलेबल होती है, उसकी सर्टेन डेट्स, स्टार्टिंग डेट से एंड डेट तक, कोई कस्टम पीरियड अगर आप रखना चाहें तो वो रख के उसकी जो भी डेली कोटेशंस हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जब आप प्रिपेयर समरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड होने के बाद उसके अंदर वेरियस कंपनी की जो है वो डिटेल्स अवेलेबल होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फ्रंट पे पीएसएक्स डेटा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये मेन मेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इन ऑप्शंस को देखने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि आप टाइमली जो है वो डिसीजंस बना सकते हैं। तो पीएसएक्स डेटा में सबसे पहले बात कर लें तो वो है हमारे पास अर्निंग्स की। जैसे कि मैंने कहा कि अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी कंपनी की अगर आप अर्निंग देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक बहुत स्पेशल एक कंपनी है जिसको हम पाकिस्तान में जानते हैं, उसका नाम है एयरलिंक। एयरलिंक पाकिस्तान में मोबाइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग लाइसेंस होल्ड करता है, एक्सपोर्ट भी करता है और इम्पोर्ट भी करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कैलेंडर ईयर देखना है फ्रॉम जनवरी 2nd से करंट डे तक, मुझे सारी चीज़ें देखनी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, तो सर्च डेटा पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास फॉर अ स्पेसिफिक स्क्रिप्ट, सॉरी मैं यहाँ पे क्लिक करना भूल गया, एयरलिंक की अगर हम बात कर लें, लेट मी चूज एयरलिंक फ्रॉम द लिस्ट एयरलिंक कम्युनिकेशन एंड देन वील हिट सर्च डेटा पे। तो आप देख सकते हैं एयरलिंक के हमारे पास जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट होगा या नेगेटिव रिजल्ट होगा तो उसी हिसाब से शेयर प्राइस की जो है मूवमेंट हमें नजर आती है। सो अगेन एज एन इन्वेस्टर यू शुड डेफिनेटली कीप एन आई ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंसमेंट, और इस तरीके से आप डायरेक्ट अपनी प्रिफर्ड कंपनी को सर्च करके उसकी जो भी मंथली सर्च करना है, कोई भी कस्टम पीरियड लगा के आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात कर लें तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज कंपनी बोर्ड मीटिंग्स। पीएसएक्स डेटा के अंदर जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल आता है वो बोर्ड मीटिंग्स का है। आने वाले दिनों में अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स डेट्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड एट कराची स्टॉक एक्सचेंज, जो कि ऑब्वियसली पीएसएक्स के नाम से जानी जाती है। तो आने वाले दिनों में अगर अगेन जैसा मैंने कहा कि बोर्ड मीटिंग्स पे नजर डालना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रिफर्ड जो भी आपने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है उस कंपनी के बोर्ड मीटिंग कब आई। बोर्ड मीटिंग के अंदर हमारे पास फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड मीटिंग होती है और फिर अनाउंसमेंट होती है। बोर्ड मीटिंग में बेसिकली अनाउंसमेंट होती है कि किस दिन फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, और उस दिन इन्वेस्टर अपने उस प्रिफर्ड कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखने के लिए बेताब रहते हैं। बिकॉज मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरी जितनी भी प्रिफर्ड कंपनीज हैं मुझे उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है ताकि मैं फर्दर उसके अंदर मजीद एवरेज आउट करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, या अपने उन शेयर्स को उनके खराब फाइनेंशियल रिजल्ट पे बेच के बाहर आना है तो वो की टाइमली डिसीजंस में ले सकूं। तो कंपनी बोर्ड मीटिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास हर डेली बेसिस पे ये डेटा हमारे पास अपडेट होता है, और आने वाले दिनों में जो जो कंपनी ने जिस जिस दिन जो भी अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से जिस डेट पे भी अपनी बोर्ड मीटिंग और टाइम पे बोर्ड मीटिंग अनाउंस की हुई है वो यहाँ पे डेटा अवेलेबल हो जाता है। बहुत ज़्यादा कंपनी के पीडीएफ में जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वाई केसी स्टॉक्स का जो हमारे पास पीएसएक्स के अंदर बोर्ड मीटिंग ऑप्शन है वो काफी ज्यादा हैंडी है। फॉर मी इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस एंड रिसोर्सेज अवेलेबल एज एन इन्वेस्टर। अर्निंग्स और बोर्ड मीटिंग के बाद वी हैव द थर्ड ऑप्शन विच इज नोन एज बुक क्लोजर्स। अब बुक क्लोजर्स क्या होते हैं, बेसिकली जब भी कोई कंपनी अपना फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस करती है और उस रिजल्ट में सर्टेन पे आउट अनाउंस करती है, चाहे वो कैश डिविडेंड का हो चाहे वो बोनस शेयर्स का हो, तो वो किन दिनों से स्टार्टिंग से एंड डेट, वो कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें कंपनी के अपने लोगों की जो ट्रेडिंग है इन्वेस्टमेंट है उसको रोक दिया जाता है, उनको अलाउ नहीं होता, और उस बुक क्लोजर के स्टार्टिंग और एंड डेट के दरमियान के दिनों में जो भी इन्वेस्टर मैं और आप अगर वो शेयर बाय करेंगे तो हम इंटाइटल नहीं होंगे। बुक क्लोजर के बारे में आपको अंदाजा हो गया होगा, और बुक क्लोजर के ड्यूरिंग में अगर आप बाय करेंगे तो आप इंटाइटल नहीं होंगे। कोशिश ये करें कि बुक क्लोजर की जो स्टार्टिंग डेट होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हबीब शुगर मिल्स है, इसकी हमारे पास जो लास्ट क्लोज है वो अवेलेबल नजर आ रही है बीसी फ्रॉम बीसी टू, विच मीन्स बुक क्लोजर स्टार्टिंग फ्रॉम डेट, जो डेट मेंशन है, एंड बुक क्लोजर टू का मतलब है कि इस दौरान बुक क्लोजर का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। बुक क्लोजर बेसिकली ये होता है कि कंपनी उन तमाम इन्वेस्टर्स जो इंटाइटल्ड हैं उनके नाम उनकी इंफॉर्मेशन एनसीसीपीएल से निकलवा रही होती है ताकि वो बुक क्लोजर के प्रोसेस एंड होने के बाद सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद उन इन्वेस्टर्स को आफ्टर 3 to 4 days उनके अकाउंट में अगर कैश डिविडेंड है तो वो डिलीवर कर दें उनके बैंक अकाउंट में, या अगर बोनस शेयर्स है तो उनके पोर्टफोलियो में अगर आप इंटाइटल्ड हैं तो आपके पास वो चीज़ डिलीवर हो जाती है। तो बुक क्लोजर का प्रोसेस बहुत ज़्यादा
जरूरी है। बुक क्लोजर माइनस टू वर्किंग डेज जो होती हैं वो उसकी एक्स डेट होती है, विच मीन्स अगर आपने कोई शेयर जिसके पे आउट के लिए इंटाइटलमेंट हासिल करनी है, उसका कैश डिविडेंड लेना है, उसका बोनस शेयर लेना है, जो भी उस कंपनी ने पे आउट अनाउंस किया है, बुक क्लोजर स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग डेट है उससे दो वर्किंग डेज पहले, वर्किंग डेज पहले आपने उसको लेके रखना है ताकि आप इंटाइटल हो सकें एक्स डेट वाले दिन, जिस दिन उस स्टॉक के अंदर से जो भी परसेंटेज अनाउंस होगी कैश डिविडेंड की या पे आउट की वो उसके अंदर से माइनस हो जाएगी। आगे जाके इस मैकेनिज्म को हम इसी वेबसाइट के एक टूल्स के हवाले से, टूल्स की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे। सो आई होप कंपनी के बुक क्लोजर क्यों इंपॉर्टेंट है, उस पर क्यों नजर रखना जरूरी है, ताकि अगर आप किसी भी स्टॉक के इंटाइटलमेंट लेना चाहें तो एटलीस्ट इस इन डेट्स को आप नजर रखें और पे आउट जो भी अवेलेबल होता है उसकी परसेंटेज यहाँ पे मैंशन होती है। पीएसएन डेटा में बुक क्लोजर के बाद वी हैव डिविडेंड शेड्यूल, और डिविडेंड शेड्यूल की अगर हम बात कर लें तो इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने डिविडेंड्स वगैरह अनाउंस किए होते हैं, तो वो डिविडेंड कब डिलीवर होने हैं, उनका क्या पे आउट रेशियो है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, और उन्होंने क्रेडिट कर दिए हैं नहीं क्रेडिट किए, विच मीन्स कि डिलीवर कर दिए हैं नहीं डिलीवर किए, वो यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल होती है। तो मोस्टली आप देख सकते हैं कि वो कंपनीज की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिन्होंने अपने इंटाइटल इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पेमेंट कर दी है। मूविंग फॉरवर्ड बात कर लें पीएसई डेटा में डिविडेंड शेड्यूल के बाद है डेली मार्केट समरी। डेली मार्केट समरी में अगर आप प्रीवियस किसी भी दिन की कोई भी समरी अगर आप देखना चाहें वर्किंग डे में, तो आप उस डेट पे क्लिक करें, शो डेली समरी पे क्लिक करें, और आपको उस दिन की जो भी हाई लो क्लोजिंग ओपन एंड क्लोजिंग रेट है वो उस मार्केट की मिल जाएंगे, और साथ साथ उस आपके प्रिफर्ड कंपनी की भी जो है वो डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आई अगेन थिंक ये डेटा कलेक्ट करना और मुझे और आप जैसे इन्वेस्टर्स को टाइमली एक प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोवाइड करना, इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव एंड इट कम्स विद अ वेरी पॉजिटिव सिनेरियो, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। डेली मार्केट के बाद हम देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली हाई लो अगर आपने किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है, कैलकुलेट करना है, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता देते हैं। 2003 से 2024 तक का तमाम डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, और इसी वजह से मैं कहता हूँ द क्रेडिट गोज टू द टीम बिहाइंड वर्किंग ऑफ के सी स्टॉक, जो के सी स्टॉक के पीछे जो टीम काम कर रही है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, एंड दे शुड बी गिवन क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। इसके अलावा डेली कोटेशन में, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि डेली कोटेशन में मार्केट की जो भी डेली मूवमेंट्स हैं उनके हवाले से आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो इट्स ऑल अप टू यू, आप उसमें देख सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं, रिमेनिंग टूल्स हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, ताकि अगेन मैं आपको बोर ना करूँ और साथ साथ आप जो है वो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को समझ सके। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट नंबर 2।